everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the paid classes of IGNOU MA Sociology. और यहाँ पे हम आपका first year का subject MSO 1 का next topic discuss करने वाले हैं. MSO 1 के next topic पे हम बात कर रहे हैं. समझा मैं आपको इस format में रही हूँ, board format में. इसके notes मैं आप लोगों के साथ group पे share कर दूंगी. ये video मैं YouTube पे भी public रखने वाली हूँ. I don't know ये कौन सा number वाली class है. I'll check and then upload it. But ये video मैं YouTube पे भी public रखने वाली हूँ. सो दैट बाकी स्टूडेंट भी देख सके कि किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं. वैसे हम नोट्स से भी पढ़ रहे हैं. इस वीडियो में मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ ये टॉपिक आपको, एंड देन इसके नोट्स पेड स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे. बाकी स्टूडेंट इस टॉपिक को समझ के साथ में नोट्स बना सकते हैं. अब हमारा टॉपिक है यहाँ पे थ्योरी ऑफ एलिनिएशन. देखो समझ लोगे तो जितना भी जैसे भी लिखा होगा तो उसको अटेम्प्ट कर पाओगे. ये मत कहना आपने तो इतनी जल्दी समझा दिया, 20 नंबर में कैसे लिखेंगे. भाई समझाने के प्रस्पेक्टिव से मीनिंग बता रही हूँ. अब लिखना तो बाल की खाल निकाल के है. मीनिंग किसने कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट क्या बोलता था, एग्जैक्टली उन पॉइंट्स को डिटेल में इलाबोरेट करना है, ये सब बातें आपको करनी है. तो सबसे पहले तो आप ये जानेंगे एलिनिएशन. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखेंगे कि इसका वर्ड होता है अलगाववाद या सर्व विमुक्ता. क्लियर? स्वविमुक्ता, नॉट सर्व, सर्व इज एवरीवेयर. स्वविमुक्ता, खुद से विमुख होना. एलिनिएशन, तो सबसे पहले आप देखो कि ये कंसेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने. अब कार्ल मार्क्स कौन है ये यहां बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं है. कार्ल मार्क्स एक बहुत फेमस आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं. पॉलिटी में भी आप इन्हें पढ़ते हो, इकोनॉमी में भी आप इन्हें पढ़ते हो. कार्ल मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में देखने को मिलता है. कार्ल मार्क्स को हम लोग फादर ऑफ सोशलिज्म, समाज शास्त्र के जनक, समाज शास्त्र के जनक भी बोलते हैं. सोशलिज्म आपको पता होगा एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के लिए काम करती है, जहां पे गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन पुनः वितरण करती है. यानी कि कैसे पुनः वितरण करती है सरकार, अमीरों से लेके गरीबों को देना. जैसे कि टैक्स की फॉर्म में जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं उनसे ज्यादा पैसा लिया और उसको जो बाकी सोसाइटी है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो निचले तबके हैं, उनकी वेलफेयर स्कीम्स में लगा देना. सोशलिज्म में जो मेजर पर्पस होता है वो होता है वेलफेयर, समाज का कल्याण. यहाँ पे आपका मेजर पर्पस होता है कल्याण. और ये कल्याण आप और मैं नहीं करते, ये कल्याण की जिम्मेदारी उठाती है सरकार. ये कंसेप्ट होता है सोशलिज्म का, जिसको कार्ल मार्क्स सपोर्ट करते थे और कैपिटलिज्म के ये बिल्कुल अगेंस्ट थे. कार्ल मार्क्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से जुड़े हुए हैं. कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष सिद्धांत. ये दो ग्रुप के बीच में क्लियर कट संघर्ष की बात करते हैं जो एलिनिएशन में नहीं आता है. बट यहां पे इन्होंने दो ग्रुप, यानी कि हमारे बोर्जुआ, बुर्जुआ बोलते हैं, बुर्जुआ बोल लो, बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरियर यानी कि सर्वहारा, इनके बीच में डिवीजन करा. नाम से सुनने में लग रहा है ये कौन है, इनका क्या मीनिंग है. सिंपल सी बात है, यहां पे कार्ल मार्क्स ने बोला वो लोग हैं जो कैपिटलिस्ट हैं, जो लोग पूंजीपति हैं, जिनके पास पूंजी है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, यानी कि ये लोग हैं हैव्स. और वहीं ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं दूसरे सेक्शन को, दूसरी क्लास को, जिनके पास जो वर्किंग क्लास है, जो श्रमिक वर्ग में से आती है, और जो लोग जो हैं हैव नॉट हैं, मतलब इनके पास रिसोर्सेज नहीं है. ये क्या है, श्रमिक वर्ग. शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो साथ साथ में लिख के भी आप लोग बना सकते हो. क्लियर समझने के लिए, श्रमिक वर्ग है ये, हैव है और ये हैव नॉट है. तो ये तो कार्ल मार्क्स की बात हुई. इस और इस ग्रुप के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये इन्होंने बहुत डिटेल में अपनी हर कंसेप्ट में बात की है. तो कार्ल मार्क्स एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के, कॉन्फ्लिक्ट ग्रुपिंग, कॉन्फ्लिक्ट प्रस्पेक्टिव समाजशास्त्र सोशियोलॉजी को पढ़ने के उसमें जाते हैं. अब थ्योरी ऑफ एलिनिएशन क्या है, तो आप देखिए एलियन वर्ड, एलियन वर्ड से आप क्या समझते हो, समवन हु डज नॉट बिलोंग टू दिस प्लैनेट, ऐसा पर्सन जो इस प्लैनेट से बिलोंग नहीं करता, जो कहीं बाहर का है. अलगाववाद, लगाव मतलब अटैचमेंट, लगा दिया आगे अलगाव, डिटैचमेंट, कि अब हम उस चीज से अटैच फील नहीं कर रहे हैं. लाइक ब्रेकअप के बाद डिटैच हो जाते हैं ना, पहले उस पर्सन से बहुत अटैचमेंट होता है, देन आफ्टर ब्रेकअप वी ट्राई टू डिटैच, हम बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ डिटैचमेंट. तो यहाँ पे प्यार मोहब्बत ब्रेकअप वाली डिटैचमेंट नहीं है, यहाँ पे जो डिटैचमेंट है, कार्ल मार्क्स ने क्योंकि जो भी स्टडी की है, कार्ल मार्क्स ने अपना बेस, अपना आधार बनाया है आर्थिक बेस को, इकोनॉमी को,
इकोनॉमिक पार्ट को, आर्थिक पार्ट को कार्ल मार्क्स ने आधार बनाया। तभी आप देख रहे हो क्लास के बेसिस पे बात कर रहा है कि कुछ लोग पैसा ज्यादा है, ज्यादा होल्ड करते हैं रिसोर्सेज, और कुछ के पास बिल्कुल नहीं है। तो कार्ल मार्क्स आर्थिक आधार पे ज्यादा बात करते हैं। तो यहाँ पे प्यार मोहब्बत, समाज में क्या चल रहा है, सुसाइड क्यों हो रहे हैं, इस सब पे सामाजिक कारण है, पर्सनल व्यक्तिगत कारण है, कार्ल मार्क्स ने बात नहीं की। कार्ल मार्क्स ने है जो बात की है आर्थिक बेसिस पे। एलिनिएशन मतलब हो गया डिट्रेंचमेंट, पर्सन जो है वो क्या फील कर रहा है, डिटैच फील कर रहा है। डिसएस्ट्रेंजमेंट होता है वर्ड, कि आप अपने प्रोडक्ट से, अपनी बनाई हुई चीजों से ही अलग फील कर रहे हो। पहले क्या होता था, आपने प्रोडक्ट इकट्ठा करा, आपने चीजों में माइंड लगाया, आपने आइडिया सोचा और आपने ही काम करा या कुछ अपने लोगों से करवा लिया। अब आज क्या होता है, देखो कोई घर भी बनाना है तो आप क्या करते हो, आप पहले लेआउट बनवा लेते हो, आर्किटेक्ट से प्लान बना लिया, नाउ बिल्डर विल हैव टू बिल्ड द हाउस एज पर दैट प्लान। मैंने प्लान बना ये बना लिया, आपको उसके अकॉर्डिंग सब बनाना पड़ेगा। तो बिल्डर का आइडिया इनोवेशन तो नहीं काम आया ना, जो बिल्डर दिमाग लगा सकता था, हमने बोला इस हिसाब से बनाओ, वास्तु वाले से वास्तु दिखा लिया, बिल्डर जा रहा है कट नहीं जा रहा, हमें तो इसी हिसाब से चीजें चाहिए, जैसे भी है, मतलब हमने बिल्डर का इनोवेटिव माइंड को स्टॉप कर दिया। इसी तरीके से अब जैसे कोई पर्टिकुलर चीज बन रही है, आजकल हर चीज अलग अलग जगह बन रही है, आपको असेंबल करना है बस। पहले खाना भी बनता था तो आटा लाए हैं, गेहूं से पिस रहा है, गेहूं निकल रहा है, आटा लगाया जा रहा है, देन रोटी बनाई जा रही है, आजकल बनी हुई लाओ बस सेक लो, राइट वो भी मत करो, ओवन में रख दो हो जाएगा काम। तो आप जो चीज यूज कर रहे हो, आप जिस चीज से लिंक करते हो, आप उसी से एक अटैचमेंट नहीं फील कर पाते हो, रिलेशनशिप्स में नहीं बची है भाई, तो बाकी चीजों में क्या बात है। हाँ तो इकोनॉमिक वाली चीजों में अब कार्ल मार्क्स कितने टाइप्स बताते हैं एलिनिएशन के, उनके हिसाब से अलगाववाद के कितने प्रकार हैं। टाइप्स में देखो पहला देखेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ नाम नाम लिख रही हूँ और बता रही हूँ, बाकी इन द नोट्स यू विल गेट एक्सप्लेनेशन, उसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। पहला होता है एलिनिएशन फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब कि एक व्यक्ति जो भी प्रक्रिया, उत्पादन की प्रक्रिया है, जो उत्पादन हो रहा है, उससे अटैच नहीं फील करता, उसको लगता है कि भाई मैं इसका पार्ट ही नहीं हूं। जैसे मैंने बताया पहले इनोवेटिव आइडिया खुद के लगाता था, दिमाग लगाता था, प्लान्स ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो नाउ वो नहीं वर्क कर रहा है, अब वो चीज वर्क नहीं कर रही है क्योंकि किसी और ने लेआउट दे दिया, आपको फिक्स प्लान दे दिया कि आपको इस हिसाब से काम करना है, अब आपकी मजबूरी है उस हिसाब से काम करना, आपके पास अपना इनोवेशन लगाने का मौका नहीं मिल पा रहा है आपको। और इसी रीजन से जो प्रोडक्ट आप बनाते हो, जो उत्पाद आप रेडी कर रहे हो, जो वस्तु आप रेडी कर रहे हो, आप उससे भी क्या करते हो, एलिनिएटेड फील करते हो, आप उससे भी अलगाव वाली फीलिंग आपके मन में रहती है, राइट। और इसके अलावा आप देखोगे तो आप अपने कोवर्कर्स से, आपके जो साथी श्रमिक हैं, आपके जो कोवर्कर्स हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं, आप उनसे भी उतना घुलमिल नहीं पाते हो। आज की डेट में देखो जो संस्थाएं हैं वो इतनी ज्यादा औपचारिक हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा फॉर्मल हो चुकी हैं कि वहां इनफॉर्मल रिलेशन ज्यादा बिल्डअप भी नहीं हो पाते हैं। काम दिया जा रहा है, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है, अदर पर्सन से बात ही नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा श्रम का विभाजन है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो डिपार्टमेंट में कनेक्शन उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो फॉर्मल चीजों की वजह से बहुत ज्यादा फॉर्मल चीजें आ चुकी हैं, सबको अपने काम पकड़ा दिए गए हैं, ऐसे करना है ऐसे करना है, और आपको बिल्कुल उसी के हिसाब से, उसी लेआउट के हिसाब से आपको वर्क करना है। तो वहां पे ना तो अपनी चला पा रहे हो, ना लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो, तो ना तो प्रोडक्शन से, ना अपने प्रोडक्ट से, और ना आसपास के साथी लोगों से आप इतना ज्यादा अटैचमेंट फील कर पा रहे हो। और हद तो तब है जब कार्ल मार्क्स कह रहे हैं ये सब तो बाहर है, इनको तो छोड़ दो, आप तो अपने आप से एलिनिएटेड फील कर रहे हो। देखो जनरल लेवल पे ये कार्ल मार्क्स ने नहीं बोला है, बट कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है ना कि यार हम इस जगह से क्यों बिलोंग कर रहे हैं, हम यहाँ है ही क्यों, हम यहाँ होना ही नहीं चाहिए, हम सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं हिमालय पे, ये घर छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, घर वाले हमें नहीं समझ रहे हैं, ये दुनिया छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, राइट। ऐसा कभी ना कभी सबको लगता है, तो हम एलिनिएशन, और कुछ लोगों को इतना ज्यादा लग जाता है कि वो बाहर ही नहीं आ पाते हैं, फिर वो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे लोगों से, फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन के बाद कुछ लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तो ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। इसको इनिशियली ये बीमारी है जो कोई और डॉक्टर ठीक नहीं करेगा, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, बोलते हो, बताते हो, दवाई खाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो जब ऐसा फील हो रहा है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरा ये करने में मन नहीं लग रहा, वो करने में, तो क्यों नहीं लोगों को बताते हो, क्यों नहीं डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों वेट करते हो कि सब सड़ जाए अंदर और बिल्कुल हम गल गल के मर जाए, क्यों वेट करते हो कि हमें ये लटकना, हमें ये पीना, ये खाना, ये सब कुछ अच्छा लगने लग जाए, ये बहुत आसान लगने लग जाए जिंदा रहने से,
तो ट्रस्ट मी वो 1 मिनट का आसान है लेकिन वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, तो इसका भी टाइम से हमें इलाज करके चलना चाहिए। ऑल्दो कार्ल मार्क्स मरने मराने प्यार मोहब्बत की बातें कर ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस के बेसिस पे बोल रहे हैं कि आप खुद से भी, क्योंकि देखो एप्रिशिएशन कहीं मिलेगा नहीं, ना प्रोडक्शन प्रोसेस से लिंक हो ना प्रोडक्ट से इतना ज्यादा लिंक फील कर रहे हो, तो खुद को भी एक फीलिंग ऑफ सेल्फ अचीवमेंट और अकम्प्लिशमेंट नहीं आती कि हाँ हमने कुछ उखाड़ लिया है जिंदगी में, हमने कुछ कर लिया है लाइफ में। पहले ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना बस लाइक कि बहुत कुछ कर लिया आपने, मतलब बिगेस्ट थिंग हो गई। आज पोस्ट ग्रेजुएशन 1 कर लो 2 कर लो, मेरे पास 2 पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैं क्या उखाड़ रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, लाइक मुझसे कितने, लाइक मुझसे इतने छोटे लोग आज सक्सेस के मामले में कहाँ पहुंच गए हैं। इंस्टा यूट्यूब ने जो प्लेटफॉर्म दिया, कुछ भी करके देखो, कुछ लोग तो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनीवन, बट यहाँ पे आप देख रहे हो पीपल आर डूइंग एनीथिंग एंड लाइक पीपल आर वॉचिंग दैट दे आर गेटिंग लाइक नेम एंड फेम, वो सब कुछ चल रही है चीजें। लेकिन मैं भी अलग से कंटेंट बनाती हूँ एजुकेशन के अलावा कुछ ना कुछ, सो आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग दैट, बट बहुत से टीचिंग फैकल्टी को लेके, टीचिंग को यूज करके दे आर लाइक, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि कितना इस प्रोफेशन को वो डिसरेस्पेक्टफुल बना रहे हैं। टीचिंग से ज्यादा दे आर लाइक दे वॉन्ट टू गेन मोर ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस आ गई, लोगों ने देख लिया, अल्टीमेटली चैनल मोनेटाइज हो जाना, अल्टीमेटली पैसा आ जाना है। यूट्यूब से कहाँ इतना पैसा आता है यार, ट्रस्ट में यूट्यूब उतना पैसा नहीं देता है कि अब सब छोड़ के बिल्कुल यूट्यूब पे लग जाओ। जो बिल्कुल यूट्यूब पे लगे हुए दे आर इन टू द एड पार्ट, कोलैबोरेशन पार्ट, दैट इज द थिंग दैट इज गिविंग द मनी। सो ठीक है, आप सेल्फ से एलिनिएट फील करते हो, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एलिनिएशन जो कार्ल मार्क्स ने दिया, ये आपके MS-1 में पूछा गया है। एलिनिएशन अलगाववाद सीधा लिख के आ सकता है, इन चारों में से कोई चीज लिख के आ सकती है, एलिनिएशन के प्रकार कितने होते हैं ये आ सकता है। अब आप बोलोगे 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, हम इसको कैसे लिख दें, तो नोट्स मिल जाएंगे, समझ में आ गया है तो नोट्स पढ़ोगे तो वो भी समझ में आएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेड वाले स्टूडेंट को व्हाट्सएप पे नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वाले स्टूडेंट से मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ, आपको कंसेप्ट समझा दिया है तो आप इसके नोट्स शॉर्ट में बना लीजिए, बिकॉज कुछ चीजें है दैट इज फॉर द पेड स्टूडेंट ऑल्सो, वो सब कॉमन हो जाएगा तो दिक्कत रहेगी। बाकी काफी नोट्स टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, आप लोग टेलीग्राम से नोट्स पुराने ले सकते हैं, वीडियोस आपके लिए भी काफी सारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है तो आप उसको भी देख के चल सकते हैं। सो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। पेड क्लास में नेक्स्ट टॉपिक तो मैं बनाऊंगी, बाकी यूट्यूब के स्टूडेंट भी अगर चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक पे बात करूं, कुछ कंसेप्ट स्ट्रेटजी कुछ भी और या कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट शॉर्ट वे में ही मैं समझाने की कोशिश करूं, चाहे मैं ट्राई करूंगी कि वो टॉपिक आप लोगों तक समझा पाऊं और पहुंचा पाऊं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।